हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ तीन ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारा प्यार, और जो लोग नए हैं, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज का पहला टिप है माचिस बॉक्स को लेके। हम सभी जानते हैं माचिस बॉक्स के अंदर तीली के एक तरफ बारूद लगा होता है। अक्सर हम लोग गलती से इस साइड से ही तीली को निकाल के जला लेते हैं, तो ऐसे करने से तीली में नमी आ जाती है। तो हमें लेना है एक पेन, जिस तरफ बारूद है उस तरफ क्रॉस और दूसरी तरफ राइट मार्क लगा देना है। तो ऐसे करने से हमें आसानी से पता चलेगा बारूद साइड से पकड़ के तिली को नहीं निकालना है, सिर्फ स्टिक वाले पार्ट से ही निकाल के इसे जलाना है। तो इससे तिली में नमी नहीं आएगी, तिली बहुत दिनों तक ठीक रहेगा। ऐसे आपका पैसा और समय दोनों ही बचेगा। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी है। सेकेंड टिप है प्याज को लेके। जब हम लोग ग्रेटर में प्याज को घिसते हैं तो हमारे नाखून भी कभी कभी घिस जाती है, तो दर्द होने लगता है। तो हमें लेना है एक फोर्क। अब प्याज के अंदर इसको ऐसे घुसा देना है, फिर फोर्क को पकड़ कर प्याज को ऐसे घिसते रहे। देखिए प्याज कितने आसानी से ग्रेट हो रहा है। इससे आपका नाखून और उंगली दोनों बचेगा। तो ये टिप भी बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट टिप के तरफ चलते हैं। तो आज का लास्ट टिप है, हम जब एप्पल काटते हैं और बच्चे को टिफिन बॉक्स में देते हैं तो इसका कलर काला हो जाता है। तो इसके लिए मेरे पास एक आसान टिप है। आप एक बोल में पानी लीजिए। अब एक चम्मच हनी लेके इसमें अच्छे से मिला लीजिए। अब एप्पल के टुकड़े को उस पानी में डालें, ऐसे करके 5 मिनट तक रख दीजिए। तो ऐसे में एप्पल काला भी नहीं होगा और हनी की वजह से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, बच्चे शौक से खाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।